पुतली रेखा यादव ने पाई 500 नारे। हैंक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सर्विस 2018 के फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने के बाद जैसे प्रदेश भर में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां जयपुर के दो अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया, जिसमें प्रथम अटेम्प्ट में आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट जयपुर निवासी कनिष्का कटारिया ने टॉप किया, तो वहीं जयपुर के ही अक्षत जैन ने दूसरे स्थान पर रहकर उन्हें प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया। तो वहीं कोटपुतली की कुमारी रेखा यादव ने 509वीं रैंक हासिल कर तोरावाटी क्षेत्र का नाम रोशन कर दिखाया। सुबह से ही जिसने सुना वही मिठाई का डब्बा या फूलों का गुलदस्ता लिए रेखा यादव को शुभकामनाएं आशीर्वाद प्रदान करते देखा जा सकता था। 26 वर्षीय रेखा यादव, जिसकी स्कूल एजुकेशन स्थानीय हंस इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्थानीय राजकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पूरी करने के बाद एक जुनून और जज्बे के साथ कोचिंग के लिए रेखा दिल्ली चली गई। यह तीसरा चांस था, जबकि रेखा यादव पुत्री श्री रामचंद्र यादव ने संघ लोक सेवा आयोग की 2018 में होने वाली परीक्षा में प्रवेश कर 509वीं रैंक हासिल कर परिवार सहित पूरे तोरावटी क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। मीडिया से मुखातिब हुई रेखा यादव से इंदौरिया टाइम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा यह पूछे जाने पर कि कोटपुतली और कोटा में क्या फर्क है, तो हाजिर जवाबी के साथ जवाब देते हुए रेखा यादव ने कहा, कोटपुतली और कोटा में केवल एनवायरनमेंट का फर्क है। यदि घर परिवार समाज का वातावरण पढ़ाई का हो तो कामयाबी कहीं भी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा रेखा यादव ने यह भी कहा कि बेशक पढ़ाई कोई एक व्यक्ति करता है, एग्जाम भी कोई एक ही व्यक्ति देता है, लेकिन उसे मोरल सपोर्ट उसके परिवार फ्रेंड्स और समाज का जब तक नहीं मिलता तब तक वह किसी बड़ी कामयाबी का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय इन सभी लोगों को देती हूँ जिन्होंने मुझे हर संभव सहयोग प्रदान किया। बच्चों को कोचिंग के थ्रू गाइडेंस दिया जाता है और बच्चे उसमें सक्सेसफुल होते हैं। कोटपुतली में ऐसा माहौल मुझे देखने को नहीं मिला पर्सनली, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे बच्चे खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होकर उस चीज़ की ओर अग्रसर होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे शानदार जवाब, मेरी सफलता में श्रेय रहा है, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाती। हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं फेल भी उस टाइम भी उन्होंने मुझे हौसला ही दिया कि नहीं तू कर सकती है, फिर से तैयारी कर, होगा। और आज हुआ भी वो चीज़ सक्सेसफुल। आपने जो मुकाम हासिल किया है वो कोई छोटा पद नहीं है, इसके लिए निश्चित रूप से एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई और किस तरह से आपने तैयारी की? सर, मेरा स्कूली एजुकेशन पूरा हंस इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रहा है। उसके बाद मैंने एल्ड्रिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन स्ट्रीम मेरा साइंस रहा था, तो मेरा होप था कि शायद मैं साइंस स्ट्रीम से ही आगे जाऊं, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को आर्ट्स में ही थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की एक साल के लिए कि मैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाऊँ आर्ट्स स्ट्रीम में। उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, बट मेरा वो नहीं हो पाया। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं 2 नंबर से रह गई थी, उस कारण भी वो साल मेरा नहीं हो पाया। इस अटैम्प्ट में मैंने स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज किया और अपनी जो कमियां थी उनको सुधारा, और उसके बाद मैंने अपना अटैम्प्ट दिया और मैं सक्सेसफुल रही। स्मार्टनेस को लेकर आमतौर से व्यक्ति साइंस लेना पसंद करता है और आर्ट्स के स्टूडेंट को बड़ा ही पुअर और बैक बेंचर्स के रूप में माना जाता है, लेकिन आपने ऐसा करके ये सिद्ध कर दिया है कि निश्चित रूप से कामयाबी के लिए कोई फैकल्टी नहीं बल्कि एक जुनून की आवश्यकता होती है। आप मानती हैं इस बात को? यस सर, ये बिल्कुल सही है कि आपको जुनून आपको ड्राइव करता है, आपका एजुकेशन किस स्ट्रीम में वो मैटर नहीं करता, किसी भी स्ट्रीम से सफलता आप पा सकते हो। उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स, हार्डवर्किंग और कंसिस्टेंसी चाहिए जो आपको और ले जाएगी, तो स्ट्रीम क्या है वो मैटर नहीं करती है। वैसे तो आपने प्रूव कर दिया है कि आप कामयाबी की ऊँचाइयाँ हासिल कर सकती हैं, लेकिन कोटा और कोटपुतली में फ़र्क क्या है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, कोटा पूरा होता है मुझे देखना है, इसलिए मैं उसके लिए बड़ी खुश हूँ और इस सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार, अपने टीचर्स और अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ। किस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया वो बताएं थोड़ा। सर, मेरा स्कूली एजुकेशन शुरू से ही अच्छा रहा था, तो उससे मैं मोटिवेट होकर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी प्रशासनिक सेवाओं में जा सकती हूँ। उसके लिए फिर मैंने अपना कॉलेज कम्प्लीट किया। कॉलेज कम्प्लीट करने के बाद पापा ने, भैया वगैरह ने बोला कि तुझे तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने सोचा हाँ, अब सही टाइम है मुझे तैयारी करनी है।
मैंने इसके लिए तैयारी करी और अपनी अटेम्प्ट्स दिए। पहले कुछ अटेम्प्ट्स में मुझे सफलता हासिल नहीं हुई, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, इसमें मुझे सफलता हासिल हुई और आज मैंने अपनी जो मुझे पाना था वो मुकाम मैंने हासिल किया। रेखा जी, अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप ही सर्वे सर्वा